नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान वाले बयान से बौखलाया पाक। सरताज अजीज ने कहा, पीएम मोदी का बयान कश्मीर से ध्यान भटकाने जैसा। पाक ने कश्मीर के मसले पर फिर दिया बातचीत का न्योता। अमेरिका ने कहा, आपसी बातचीत से करे समाधान। गुजरात के ऊना में फिर हुई हिंसा। सरकार के खिलाफ रैली कर लौट रहे दलितों के साथ दबंगों ने की मारपीट। 8 घायल, इलाके में तनाव बरकरार। महाराष्ट्र के सतारा से डॉक्टर संतोष के फार्म हाउस से 4 मानव कंकाल बरामद। आरोपी डॉक्टर ने आंगनवाड़ी कर्मचारी समेत 6 हत्याओं की बात कबूली। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बेंगलुरु में देशद्रोह का केस दर्ज। संस्था के कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगने का आरोप। लगातार चौथी बार गिरे पेट्रोल और डीजल के दाम। आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए और डीजल के दाम में 2 रुपए की गिरावट। यरम में अरब गठबंधन बलों ने किया हवाई हमला। अस्पताल को बनाया निशाना। 11 लोगों की मौत, 19 से ज्यादा घायल। रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक की उम्मीद बरकरार। किदांबी श्रीकांत ने पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।